तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को हुआरोंग एम्पायर के कैंप को दिखाया जाता है, जहां पर एक सोल्जर बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए इस तंबू के अंदर चला जाता है और वो यहां पर मास्टर हम लोगों के सोल्जर के ऊपर डार्क रेस ने घात लगाकर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से उन लोगों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि इस अटैक की वजह से 200 से अधिक रेड लाइन की मौत हो चुकी है और 700 से अधिक लोग इंजर्ड है। इस बात को सुनकर एल्डर रॉन्ग यांग इस सोल्जर को इज्जिया से जाने का आदेश दे देता है। इसके बाद ये सोल्जर भी इज्जिया से चला जाता है। इधर हम रॉन्ग विंग को देखते हैं, जो कि इस बात को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, 5 दिनों का टाइम बीत चुका है लेकिन अब भी हम लोग तियानलोंग माउंटेन का एक टुकड़ा तक डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को हिलियान जाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से हम लोगों को और भी लंबे टाइम तक इंतजार करना पड़ सकता है। तभी मुजिंग अपने साथियों को बताने लगती है कि हम लोगों ने डार्क रेस की पावर को बहुत ही ज्यादा कम आंका है, क्योंकि पहले से ही डार्क रेस के पास तियानलोंग माउंटेन का एक एडवांटेज है, क्योंकि तियानलोंग माउंटेन को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान है लेकिन उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल तियानलोंग माउंटेन को डिस्ट्रॉय करना है, जिसके बारे में यहाँ पर अब तक सभी को पता चल ही गया होगा। इस पर रॉन्ग भी अपने साथियों को बताने लगता है, लेकिन हम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि तियानलोंग माउंटेन के अंदर से ही वो रास्ता गुजरता है जिसकी मदद से हम लोग गोल्ड रिजर्व तक पहुँच सकते हैं। इसलिए अगर हम लोगों को गोल्ड रिजर्व तक पहुंचना है तो हम लोगों को डार्क रेस के साथ फाइट करनी ही होगी। तभी एल्डर रॉन्ग यांग बोलता है, अगर हम लोग तियानलोंग माउंटेन को घूम कर पार करते हैं तो इसमें हम लोगों को कई महीने का टाइम लग सकता है और मुझे तब तक डर है कि डार्क रेस के लोग हिलियांग के ऊपर अटैक कर देंगे, इसलिए हम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को तियानलोंग माउंटेन को अपने कब्जे में करना होगा, तब जाकर हम लोग हिलियांग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए एल्डर रॉन्ग यांग अपने प्लान के बारे में सभी को बताने लगता है कि मैं और रॉन्ग बिंग तियानलोंग माउंटेन के ऊपर सामने से हमला करेंगे और जैसे ही तियानलोंग माउंटेन का गेट ओपन हो जाता है तो तुम सभी लोग जितनी जल्दी हो सके तियानलोंग माउंटेन के अंदर चले जाना। एल्डर रॉन्ग यांग के इस प्लान को सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी इस बात से एग्री भी करते हैं। तभी हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी तादाद में सोल्जर वॉर का तैयारी कर रहे थे और इन्हीं सोल्जरों के बीच में कुछ लोग भी होते हैं जो कि इस आर्मी में भर्ती होने के लिए इज्जिया पर आए थे। तभी हम लोगों को 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि एल्डर रॉन्ग यांग के बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें भी डार्क रेस से हार का सामना करना पड़ सकता है और इस चीज की वजह से हम लोगों के ऊपर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। तभी ये दूसरा आदमी बोलता है, क्या तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद कोई भी बोल सकता है कि तुम डरे हुए हो। इस पर ये आदमी बोलता है, शायद तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है क्योंकि डरा हुआ इस जगह पर मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर रेड लाइन नाइट फोर्स में शामिल होने के लिए आया हूँ और तुम्हें अगर यहाँ पर डर नहीं लग रहा है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो। इसके बाद ये आदमी अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी इन लोगों के बीच में हम लोगों को फेंगलू को दिखाया जाता है जो कि इन सभी की बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसे नियान की चिंता होने लगती है, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ी सी परेशान हो जाती है क्योंकि नियान ने तो उसे जाने से पहले कुछ भी नहीं बताया था कि आखिरकार वो किस जगह पर जा रहा है। इधर हम लोगों को डार्क रेस के 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि तियान और उसके साथियों का इस जगह पर इंतजार कर रहे थे। तभी ये आदमी पिंगचाओ को बताने लगता है कि रॉन्ग फैमिली का ओल्ड आदमी हम लोगों के लोगों को बहुत ही बेरहमी के साथ मार रहा है, फिर तुम इस जगह पर क्यों हो, क्या तुम्हें अपने लोगों की परवाह नहीं है जो कि तुम इस जगह पर आ चुके हो। इस पर पिंचा बोलता है, तुम्हें हम लोगों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी रॉन्ग फैमिली की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि रॉन्ग फैमिली ने जरूरी कोई मास्टरमाइंड प्लान बनाया है जिसकी वजह से वो हम लोगों को उस जगह पर फंसा कर रखना चाहता था ताकि वो लोग किसी खुफिया मिशन को कामयाब कर सके, इसलिए मैंने उन लोगों के रास्ते को खुला छोड़ दिया है ताकि हम लोगों को इन लोगों के प्लान के बारे में पता चल सके। इस पर ये आदमी बोलता है, मुझे लगता है कि रॉन्ग फैमिली जरूरी इस जगह से किसी सीक्रेट सोल्जर की टुकड़ी को भेजना चाहती है ताकि वो लोग तियानलोंग माउंटेन को पार कर सके। इस पर पिंचा बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस जगह पर मैंने चारों तरफ ट्रैप बिछा दिया है, बस उन लोगों के यहाँ पर आने का इंतजार है। तभी नियान और उसके साथी इस जगह की ओर बहुत ही तेजी के साथ आने लगते हैं और इस चीज के बारे में पिंचा को पता चल जाता है, इसलिए वह इन लोगों के सामने आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही नियान और उसके साथी यहाँ पर आ जाते हैं तो पिंचा इस मौके का फायदा उठाकर अचानक से इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन नियान ने भी टाइम रहते यहाँ पर अपने एक अटैक को क्रिएट कर लिया था और उससे पिंचा के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। इस चीज को देखकर पिंचा बोलता है, अब मुझे रॉन्ग फैमिली के प्लान के बारे में पता चल गया है क्योंकि रॉन्ग फैमिली तुम लोगों को इस जगह से भेजना चाहती थी ताकि तुम लोग तियानलोंग माउंटेन को पार कर सको, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि तुम लोग कभी भी अभी इस जगह से आगे की ओर नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम लोगों का सामना मेरे साथ हो चुका है।
इसके बाद वो यहाँ पर बहुत सारे टेलीपोर्टेशन अरे को उत्पन्न कर देता है, जिसके अंदर से डार्क रेस के लोग बाहर निकलकर आ जाते हैं, जिनकी तादाद बहुत ही ज्यादा होती है, और जिसे देखकर नियान बोलता है इस जगह पर तो हाई लेवल के टेलीपोर्टेशन अरे बने हुए हैं, इसलिए हम लोग जाकर भी डार्क रेस का सामना अभी फिलहाल के लिए नहीं कर सकते हैं। और अभी के लिए हम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि हम लोग जितनी जल्दी हो सके इस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोचें। इसलिए अब हम लोगों को इस जगह से बिना कोई टाइम जाए कि बाहर क्यों जाना चाहिए, क्योंकि डार्क रेस के लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद नियान और उसके सभी साथी बहुत ही तेजी के साथ इस जगह से पीछे की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन डार्क रेस के लोग इन लोगों का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस चीज को देखकर नियान डार्क रेस के साथ फाइट करने के लिए कुछ देर तक रुक जाता है और उसने यहाँ पर अपने एक जाइंट हैंड को अपेयर कर लिया था और उससे डार्क रेस के लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन पिंग चाओ ने टाइम रहते ही एक अटैक तियान के अटैक के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और जिसकी वजह से तियान को ना चाहते हुए भी इस जगह से भागना पड़ता है। लेकिन पिंग चाओ तियान को इस जगह से भागने कैसे दे सकता था, इसलिए उसने यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लिया था और वो उससे इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तियान ने भी टाइम रहते ही अपने फ्लेम हैंड से पिंग चाओ के ऊपर अटैक कर दिया था और जिसकी वजह से यह अटैक सीधे जाकर पिंग चाओ को लगता है, जिसकी वजह से पिंग चाओ की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर ये सभी जगह से भाग जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे। तभी मुजिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है 10 दिनों का टाइम बीत चुका है लेकिन अब भी हम लोग तियानलोंग माउंटेन के अंदर नहीं पहुँच पाए हैं, इसलिए हम लोगों को जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसा ही चलता रहा तो डार्क रेस हम लोगों के ऊपर हावी हो जाएगा। तभी रोंगमिन बोलता है तियानलोंग माउंटेन चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसी चीज का फायदा डार्क रेस के लोग उठा रहे हैं और जिसकी वजह से हम लोग चाहकर भी तियानलोंग माउंटेन के अंदर नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम लोगों को एक अच्छे प्लान की जरूरत है जिसकी वजह से हम लोग तियानलोंग माउंटेन के अंदर जा सकते हैं। तभी यहाँ पर रोंगबिन का फादर भी आ जाता है और वो इन लोगों को बताने लगता है कि तुम लोगों को अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तियानलोंग माउंटेन का जो पहाड़ तुम लोगों के रास्ते में मुसीबत पैदा कर रहा है, हम उसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे जिसकी वजह से अंदर जाने का रास्ता ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बहुत ही आसानी के साथ तियानलोंग माउंटेन के अंदर जा सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद नियान और रोंगबिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि रोंगबिन का फादर बहुत दिनों के बाद इन लोगों के सामने आया है, इसीलिए इन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। इसके बाद हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर रोंगबिन के फादर नियान से अकेले में बात करने के लिए आए थे और वो नियान को बोलता है जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब तुम बहुत ही ज्यादा छोटे थे, लेकिन अब तुम बहुत ही ज्यादा बड़े और पावरफुल हो चुके हो, क्योंकि मैंने किसी को बात करते हुए सुना था कि इस बार के कंपटीशन के विनर तुम हो और इस कंपटीशन को पास करना कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनोगे। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म, और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट आज ही चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।